टीवी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है। चलिए सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद एक एक कर खबरों वाले शेयर्स, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट और साथ ही ब्रोकरेज का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप देखिए। कोरोना के जो नए मामले हैं अमेरिका में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में आप देखिए 80 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड आप देख रहे हैं, लेकिन एसडीएक्स निफ्टी करीब 35 अंकों की बढ़त के साथ 11,970 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ यहाँ पर आप देखिए 11,950 के स्तर पर हरे निशान में एसडीएक्स निफ्टी में ट्रेड है। हांगकांग के बाजार आज के दिन बंद है। अगर शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार की बात करें, उतार चढ़ाव के बीच बाजार में ट्रेड देखने को मिला। पूरा ट्रेडिंग सेशन उतार चढ़ाव भरा रहा। डाउ में करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ फिर क्लोजिंग देखने को मिली, वहीं नैसडैक में 40 अंकों की बढ़त रही। तो अमेरिकी बाजार के संकेत शुक्रवार के दिन मिले जुले रहे। एशियाई बाजार की शुरुआत आज अच्छी होती हुई, लेकिन साथ ही कोरोना के नए मामले आप देखिए एक चिंता की बात है। डाउ फ्यूचर्स में 80 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं, थोड़ी ही देर में आज के लिए आपकी पहली रणनीति आपको बताएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, थोड़े सुस्त संकेत आ रहे हैं बट ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप देखें तो जापान के बाजार में ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है, हांगकांग आज बंद है, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी बढ़त आपको दिख रही है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल दबाव बना हुआ है। काफ़ी अहम हफ्ता है और काफ़ी सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। एक तो यूएस का जो स्टिमुलस प्लान है उस पर अभी भी बातचीत चल रही है, तो वहाँ पर नज़र बनाए रखिए। कई सारे दिग्गज कंपनीज के अर्निंग्स आएंगी यूएस में, जैसे कि एप्पल, फेसबुक, अल्फाबेट, अमेजॉन और साथ ही बोइंग। थर्सडे के दिन यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों के ही Q3 जीडीपी डेटा आएंगे, तो वहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा ईसीबी और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है और चाइना में इस हफ्ते 4 दिनों की मीटिंग होने वाली है अगले 5 सालों के प्लान के लिए। 2021 से 2025 की प्लानिंग होगी, तो वहां से अगर कुछ कॉमेंट्स आते हैं तो वो भी बाजार के लिए काफी अहम रहेंगे। शुक्रवार को देखें तो ऑलमोस्ट सपाट ही रहे अमेरिकी बाजार क्लोजिंग के समय, पर काफी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा और निचले स्तरों से डाउ में लगभग 185 अंकों की रिकवरी भी हमने देखी। हालांकि स्टिमुलस पर अभी भी बातचीत चल रही है, वहां से क्लैरिटी नहीं आई है, पर कोरोना के मामलों में जिस तरह से उछाल आ रहा है अब उसकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन हमने देखा कि रिकॉर्ड 83,000 से ज्यादा नए मामले यूएस में आए, तो ये एक चिंता का विषय अब यूएस के लिए भी बन रहा है। यूरोप के लिए ऑलरेडी एक चिंता का विषय है, हालांकि हमने देखा कि शुक्रवार के दिन यूरोप के बाजार 1% ऊपर थे, पर फ्रांस में अब 50,000 से ज्यादा दिन के नए मामले आ रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही इटली और स्पेन में नई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, तो वहां का भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चे तेल में मांग की चिंता से दबाव बना रहा और WTI अब $40 के नीचे फिसल चुका है। डॉलर में थोड़ी खरीदारी आई और सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,900 के नीचे फिसला है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का कहर परेशान कर रहा है, इस बीच विदेशी बाजार के संकेत आज दिन के चलते कैसे ट्रेड करते हैं समझना काफी इम्पोर्टेंट होगा। जान लेते हैं शुक्रवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, FIIs DIIs का एक्शन। कैश मार्केट में FIIs ने करीब 907 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में ही DIIs की तरफ से 892 करोड़ की बिकवाली आई है। वायदा बाजार में FIIs कर रहे हैं 221 करोड़ की बिकवाली। एक छोटी बिकवाली 221 करोड़ की FIIs ने वायदा बाजार में की है, लेकिन उसके सामने 907 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में FIIs करते दिख रहे हैं और DIIs की तरफ से 892 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग, विदेशी बाजार के संकेत फिलहाल मिले जुले लग रहे हैं, कोरोना के नए मामले परेशान की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा, रणनीति क्या होगी। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए सीमित दायरे में कारोबार रहने की उम्मीद है, अभी तक तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि रेंज के बाहर बाजार निकलेंगे और न 12,000 के ऊपर निकलकर टिकने के कोई खास संकेत और न ही कोई बड़ी कमजोरी के आंकड़े मिले जुले हैं। FIIs की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी है, वायदा कारोबार के आंकड़े मिले जुले हैं और घरेलू फंड बिकवाली कर ही रहे हैं लगातार, तो वो आंकड़े आपके सामने है ही। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार एक छोटी रेंज में है और इस रेंज से बाहर निकलने के लिए किसी बड़े ट्रिगर की जरूरत है,
अब वो ट्रिगर कहाँ से क्या आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम अमेरिका में चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं, एक वो बड़ा ट्रिगर है। दूसरा इस तरह से इस गुरुवार को मंथली एक्सपायरी भी है, तो वो भी एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ नतीजों के लिहाज से अब इस तरह से आप लगातार काफी कंपनियों के नतीजे आते हुए देखेंगे, बड़ा हफ्ता है नतीजों के लिहाज से, और खासतौर से गुरुवार के दिन तो बहुत ही ज्यादा एक्शन रहने वाला है बुधवार और गुरुवार को। तो इन सबके बीच में जो दिख रहा है स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और नतीजों के लिहाज से स्टॉक्स पर मूव ज्यादा होगा। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, 11,825 11,875 ये निफ्टी पर आज के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज मानकर चलिए, इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेगा, इस रेंज में आए तो बाजार में खरीदारी करने की राय होगी। ऊपरी स्तरों पर 11,975 12,025 ये वो लेवल है जहां पर थोड़ी रुकावट है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फ्रेश और बड़ी तेजी 12,025 के पार निकल कर टिकने पर बंद होने पर बनेगी। बैंक निफ्टी भी बहुत ही छोटे रेंज में काफी दिनों से फंसा हुआ है, नीचे 24,250 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। ये जो 150 पॉइंट की रेंज है ये अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर 150 पॉइंट की रेंज जो है 24,650 24,800 ये वो रेंज है जहां पर बाजार आपको सपोर्ट ऊपर में रुकते हुए नजर आएंगे। तो ये दो रेंज है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली रणनीति हमें सुबह सुबह बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बाजार पर देखने को मिलेगा, और साथ ही नतीजों का सीजन चल रहा है तो इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा आते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग रेंज 11,825 से 11,875 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर मानकर चले, वहीं ऊपरी रेंज जो है 11,975 से 12,025 के दायरे को आप समझ कर चल सकते हैं। 12,025 के ऊपर फ्रेश तेजी होने की पूरी गुंजाइश है। बैंक निफ्टी 24,100 से 24,250 का दायरा सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, 24,650 से 24,800 की ऊपरी रेंज है बैंक निफ्टी को, यहां पर 24,650 से 24,800 ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर लेकर हमारे संवाददाता चेतन भुटानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन बताएं। जो मेरे गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं इस टाइम पे वो तीन फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इनफैक्ट बेनिफिशियल है, वो है लॉरस लैब्स, आईओएल केमिकल्स एंड ग्रैन्यूल्स के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है जो उन्होंने पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी मार्च 2020 में, उसमें कुछ बदलाव की बातें चल रही है। जो फार्मा कंपनीज को एपीआई इंसेंटिव देना पड़ता था जिसमें उनको एक्सपोर्ट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो हटाकर अलाउ कर देगी गवर्नमेंट, अलाउ करने का विचार कर रही है, क्योंकि जैसे मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी में भी होता है कि जो डोमेस्टिक में एक्सपेंशन की बातचीत होती है उसमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होती है, तो गवर्नमेंट ने मोबाइल सेक्टर में भी वो हटाया है, लेकिन अब वो फार्मा सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर में आए, और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो रिस्ट्रिक्शन खत्म होंगे वो काफी बेनिफिशियल होंगे फार्मा कंपनीज के लिए, एंड वो अपने मार्जिन बढ़ा पाएंगे, एंड डेफिनेटली जो आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर में उनकी जो बुक्स है उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। अभी स्कीम क्या है मैं फटाफट बता दूं, इसमें लगभग 10 दवाओं के लिए रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी की शर्तों में भी रिलैक्सेशन देने की बातचीत चल रही है। सरकार विलिंग है कि मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कंडीशन को रिलैक्स करने के लिए, ताकि जो कंपनीज हैं वो जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई कर सके, रादर देन ओवर मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी प्रॉब्लम और क्रिएट कर ले। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो फार्मा कंपनीज एपीआई में डील कर रही हैं उसमें आगे जाके जो नुकसान होना चाहिए वो नहीं होएगा, जिसके चलते काफी फायदा डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज को होगा, क्योंकि उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही बेच सकते हैं अपने माल को, वो हट जाएंगी और वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ये अच्छी खबर रहेगी। लेकिन अभी कोई सोर्सेस अभी टाइमलाइन नहीं बताई है कि कब तक होगा, हाँ लेकिन गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस कर ली हैं, उसका ड्राफ्ट नोट भी तैयार हो गया है चेंजेस का, वो मिनिस्टर नोटिफाई करेंगे, वो कैसे होगा अभी देखना उसमें बाकी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है फार्मा सेक्टर से जुड़ी, इससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चेतन शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेस्ट्रिक्शंस फार्मा क्षेत्र से कम करने की कोशिश में है सरकार, और साथ ही ये चाहती है कि फार्मा क्षेत्र में निवेश जो है वो और ज्यादा बढ़े। इस खबर के चलते तीन कंपनियां इस तरह से चेतन हमें बता रहे हैं, लॉरस लैब, आयोल केमिकल्स और ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा गुड मॉर्निंग बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी, ढेर सारी खबरें और नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड। अगर आज आने वाले फिगर्स की बात करें तो आज आने वाले नतीजों में कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई लाइफ ये निफ्टी साइड से फोकस में रहेंगे और वायदा बाजार से टोरेंट फार्म और एमएनएम फाइनेंशियल्स के नंबर्स आएंगे जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। और इंजन ब्रोकिंग पर भी नजर रखिए, नतीजों के साथ ही साथ बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड देने पर भी फैसला आ सकता है, तो इन तमाम ट्रिगर्स पर हमारी नजर रहेगी। कुछ बड़े नतीजों की बात करें तो नेस्ले के नंबर्स आए हैं और कोई सरप्राइजेस नहीं मिले, नंबर्स इनलाइन ही थे, हालांकि आय के फ्रंट पर नंबर हमारे अनुमान से बेहतर दिखाई दिए हैं। अगर आय की बात करें तो 10% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में 1% की गिरावट दर्ज हुई है। टेक महिंद्रा के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर नजर आए हैं, आय में करीब करीब 3% की बढ़त देखने को मिली है। एबिट के फ्रंट पर बात करेंगे तो 45% की शानदार ग्रोथ और मुनाफे में भी करीब करीब 10% की बढ़त इस तिमाही देखी गई। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स भी ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी स्ट्रांग थे, आय में 13% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 62% बढ़ा है कंपनी का, लेकिन मुनाफा अगर देखा जाए तो 37% घटा है कुछ टैक्स एडजस्टमेंट के कारण। कैश सेगमेंट से भी काफी सारे नंबर्स आए, एक एक करके आपको बताते हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 7% की बढ़त, मुनाफे में 34% की बढ़त इस बार देखी गई। येस बैंक घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, बैंक इस बार नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के फ्रंट पर गिरावट इस बार देखी गई इस बार के नंबर्स में। आती ड्रग के नंबर्स काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, आय में 21% की बढ़त और मुनाफे में करीब 134% की बढ़त देखी गई है। यहां पर भी एक टैक्स एडजस्टमेंट है लेकिन उसको भी हटा दे तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, आय में करीब करीब 2% की बढ़त, डॉलर आय में करीब 4% की बढ़त इस बार देखी गई और मुनाफे में 13% की ग्रोथ कंपनी ने इस बार दर्ज की। पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, स्टेबल क्वार्टर कहेंगे कंपनी के लिए, आय में 6% की गिरावट हालांकि देखी गई लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो 15% की बढ़त हुई है और मुनाफे में 14% की बढ़त इस तिमाही देखी गई। तो ये कुछ ऐसे नतीजे थे जहां पर कि आपकी नजर होनी चाहिए। और एक और नंबर आए हैं सीडीएसएल के, नंबर्स यहां पर भी बेहतरीन है, आय में करीब करीब 70% की बढ़त, मुनाफा करीब 68% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा ढेर सारी खबरें भी निकल कर आई है, वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए, खबर आ रही है कि कोटक बैंक इंडसइंड बैंक का अधिग्रहण कर सकती है, इस तरह की डिटेल्स यहां पर निकल कर आई है। हालांकि दोनों बैंकों ने सफाई भी दी है इस पर, इंडसइंड बैंक ने खबर को अफवाह बताया है और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी इसको लेकर कोई कमेंट्स अभी तक जारी नहीं किए हैं। रिलायंस भी आज फोकस में रहेगा, फ्यूचर और रिलायंस रिटेल की जो डील होने वाली थी उस पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल ने अमेजोन के पक्ष में फैसला सुना दिया है, लेकिन रिलायंस के इसके जो कमेंट आ रहे हैं उनका कहना है कि डील जल्द पूरी होने की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन एक झटका लगा है यहां पर ये जो फैसला निकल कर आया है उसके चलते रिलायंस को। वेदांता पर भी नजर रखिए, 9.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, 31 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। और आखिर में बात करते हैं एलएनटी की, 28 अक्टूबर को स्पेशल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी जिसकी की रिकॉर्ड डेट 5 नवम्बर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चलिए अब ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति आपको बता देते हैं। शुरुआत ऑप्शंस के टॉपिक से कर लेती हूँ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने दो ऑप्शन सुझाए हैं, एक्सिस बैंक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 510 की कॉल खरीदने की राय यहां पर इनकी तरफ से मिलती हुई, टारगेट 15 के मानकर चले, स्टॉप लॉस यहां पर 7 का लगाइएगा। वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 1400 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, लक्ष्य यहां पर 35 के होंगे, स्टॉप लॉस यहां पर 14 का आपको लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं और इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए जो आई है वो बता देते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से अशोक लेलैंड और पावर ग्रिड में खरीदारी की राय है, अशोक लेलैंड में 77 के स्टॉप लॉस के साथ 86 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी कीजिएगा, पावर ग्रिड में 178 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 164 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय एक्साइड और डाबर पर है, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 170 के टारगेट्स को मानकर चले, 158 का यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं डाबर पर भी खरीदारी, एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 530 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 512 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट निलेश जैन अब जुड़ गए हैं। निलेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए क्या होगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी। मानसी देखिए, लास्ट वीक निफ्टी में इनफैक्ट बैंक निफ्टी दोनों ही जगह पे हमको एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा था। इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी अक्टूबर सीरीज की तो डेफिनेटली मार्केट वॉलेटाइल रहने वाले हैं,
एंड जो एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है वो है 11,800 टू 12,050 12,100 की एज ऑफ नाउ। तो मेरा ही मानना है कि आज के सेशन में अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 11,850 का स्टॉप लॉस होगा एंड 12,050 तक के टारगेट्स होंगे। ओवरऑल जो रुझान है वो मेरा ही मानना है थोड़ा बायस है, वो बाय साइड में ही फोकस करना चाहिए ओवरऑल। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 25,000 तक का लेवल हमको इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। 24,000 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करें, वहाँ पे भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बाय एंड डिप की रणनीति बैंक निफ्टी में भी अपना लीजिए। बिल्कुल नीलेश, आज के लिए टॉपिक्स कौन से होंगे? बिल्कुल मानसी, दोनों ही खरीदारी करने के स्टॉक्स हैं। पहला है ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के सेशन में देखने मिला था। लॉन्ग बिल्डअप भी साथ ही साथ देखने को मिला था। 3040 का स्टॉप लॉस होगा, 3250 के टारगेट्स होंगे। दूसरा खरीदारी करने की सलाह होगी जुबिलेंट लाइफ साइंसेज से, यहाँ पे भी फ्राइडे के सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का मेजर ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। 755 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी, 810 एंड 830 के टारगेट के लिए। बिल्कुल नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार के लिए हमने बात की मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा से, उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। गोल्ड सिल्वर में बिकवाली की राय दे रहे हैं। गोल्ड में बिकवाली कीजिएगा, 50,550 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, 51,250 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं सिल्वर में भी बिकवाली की राय है, 61,300 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 63,600 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। क्रूड ऑयल कच्चे तेल के चार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसके चलते बिकवाली का आउटलुक ही अमित की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। 2,880 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3,030 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो कमोडिटी मार्केट्स में तीनों कॉल्स बिकवाली की है, गोल्ड सिल्वर और साथ ही क्रूड पर। अब वक्त है FIR का, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहली रिपोर्ट देखिए नेस्ले इंडिया पर आई है। सीएलएससी की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, बिकवाली की राय को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य 16,100 से बढ़ाकर 17,650 कर दिया, 15,860 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि तीसरी तिमाही में अगर आप देखें तो लगभग 7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन हायर डेप्रिसिएशन खर्च और ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ी सी गिरावट के चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में लगभग 2-3% की कटौती कर दी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर नतीजा है, सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लक्ष्य 1560 से बढ़ाकर 1615 कर दिया, 1258 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि कंबाइंड रेशियो जो है लगभग 100-101% के आसपास रहा है, इसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। बायोकॉन काफी सरप्राइजिंग रिपोर्ट है सीएलएससी की तरफ से, जहां पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और काफी नीचे का लक्ष्य दिया। अगर आप देखें तो लक्ष्य 270 से घटाकर 250 कर दिया है, 418 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग, और इनका मानना है कि नतीजे जो है बेहद निराशाजनक देखने को मिले। और आखिरी रिपोर्ट है एचडीएफसी लाइफ पर, सीएलएससी की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर ये खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य दे रहे 675 का। ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो फिलहाल जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है अब फेवरेबल नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।